नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अति शिक्षक महा आंदोलन सार्वजनी पार्क, आप सभी ने बहुत सुना आज जो आपका आंदोलन हुआ और बहुत ज़्यादा संख्या में आपके अतिथि शामिल हुए इस आंदोलन में, तो इसके बारे में आज आपको क्या जानकारी जो हमारे द्वारा आपको दी जा रही है, लास्ट तक देखना है वीडियो को। और आशा करते हैं कि अति शिक्षक जो जो होंगे सभी लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये देखिए, आप देख रहे हैं भारी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके अतिथि शामिल हो रहे हैं, आपके जो हुए हैं आपके भोपाल की। ये देखिए, अति शिक्षक संघ जो आपके एक तरह से संघ बना हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके अति शिक्षक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके अति शिक्षक नियमितीकरण का फैसला कुछ ना कुछ इनके पक्ष में ज़रूर होगा, ठीक है। तो आगे आपको बताएंगे क्या आपके इसमें आज की न्यूज़ पे जो आपके आ रहा है इसी से रिलेटेड। ये देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये देखिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अति शिक्षक शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में। तो ये आप देख रहे हैं भोपाल की न्यूज़ में, क्या आपके लिए जानकारी आज इस पर आई है कि स्थायी करने की मांग को लेकर अति शिक्षक समन्वय समिति के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा गुरुवार को राजधानी पहुंच गई है और ये शिक्षक यादगार शाहजहानी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्क में अति शिक्षकों का आना रात से शुरू हो गया था और आपके हजारों की संख्या में जो शिक्षक भोपाल पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये सरकार अति शिक्षकों को नियमित करने का अपना वचन भूल गई है, यही याद दिलाने के लिए आज आए हैं। और कर्मचारियों की मांग है कि कांग्रेस सरकार अपने वचन के अनुसार उन्हें नियमित करे। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस सरकार रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अति शिक्षकों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। तो समिति के पदाधिकारियों के अनुसार धरने में प्रदेश भर में हजारों की संख्या में अति शिक्षक शामिल हुए हैं, इससे बड़ी संख्या में आपके महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं। आपके जो यह आपका आंदोलन आज हुआ है शाहजहानी पार्क में, अब इसके बाद आपके जो आपके कुछ मंत्रियों के द्वारा क्या इस पे जो डेट किए गए हैं उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आगे लास्ट तक देखते रहिए सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। तो ये देख सकते हैं आप, दिग्विजय सिंह के द्वारा ये ट्वीट किया गया आपके कि शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अति शिक्षक व अति विद्वान शिक्षकों को कांग्रेस वचन पत्र में किए गए वादों को हमें पूरा करना है और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी कांग्रेस वचन पत्र में किए गए हर वचन को पूरा करेंगे। तो ये अति शिक्षक के पक्ष में एक आपके ट्वीट हो सकता है। इसके बाद अब आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या आता है सामने, आप सभी को रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको रेगुलर प्रोवाइड होती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।